मॉर्निंग, रात के बज गए हैं पूरे 3। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैनल। रात को मेरा मूड बना कि मलाई काफ़ी इकट्ठी हो चुकी है तो इसका क्या किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया, और अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मैं मलाई इकट्ठी हो जाती है मेरी काफ़ी तो मैं घर पर घी निकालती हूँ। आपको पता ही है शायद बाहर घी कितना कॉस्टली है, 1 kg हमारा 480 रुपीज़ का है। तो इसको बचत करते हुए तो मैं घर पर निकाल लेती हूँ गाइस। पिछले मंथ मैंने पूरा 2 kg घी निकाला था। 2 kg मीन्स आपका 950 रुपीज़ का मैंने घी घर पर निकाला है फ्री में। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी लुक। ये है हमारा घी। मलाई को मैंने काफ़ी हिलाया, अच्छे से हिलाते रहो आपका ऊपर घी आ जाएगा। अभी भी ये ऑयली नहीं हुआ है, थोड़ा सा है कसर। अभी देखते रहो, धीरे धीरे कमाल आगे होता क्या है, आप भी देखेंगे हैरान जाएंगे, और आप भी चाहेंगे कि हाँ हम घर पर घी निकालें। अरे घर के घी का टेस्ट इतना बढ़िया, ऐसे लगेगा जैसे आप मक्खन खा रहे हो, और बाहर के देसी घी में केमिकल मिक्स और कॉस्टली, और घर का तुम इतना भी खा लो। हाँ पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ था, मेरा घी ख़त्म हो गया। मैंने क्या किया, अंदर फ्रिज में मलाई पड़ी थी, इतना इतना घी लेकर मैं थोड़ा घी निकालती रही। ऐसा भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैंने आज काफ़ी इकट्ठी हो गई थी तो मैंने कहा चलो अब निकाल देते हैं फाइनल। जस्ट मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि अब इसकी लुक कैसी नज़र आएगी। अब मैं एक डब्बे में थोड़ा सा आपको डाल के दिखाती हूँ। हाँ जी गाइस, मैंने डब्बा रख लिया है, डब्बे में मैंने छाननी रख ली है, और मैं आपको घी निकाल कर दिखा दूंगी। बिल्कुल हेलो, घी निकाल कर दिखा रही हूँ। ज़्यादा गर्म करना बिरयानी और आलू भुजिया डालिए साफ प्लेट में। ये देखिए गाइस, बस बस इतना से निकला अभी नहीं, अभी और निकलेगा, अभी तो जैसे शुरुआत है, आगे आगे देखो। यस गाइस, इसके पापा लेकर आए थे आज चिकन बिरयानी, सारा का मन हो रहा है। रात को कह रही मम्मा जल्दी से गर्म करके दे, तो मैं अभी इसको गर्म करके दे रही हूँ।